मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। त्वार्षूत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 7 तत्वों का वर्णन है। 10 अध्यायों में विभाजित है। आप सभी लोग अभी तक हम यहाँ पर 6वां अधिकार में देख रहे थे चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण, और वह सूत्र भी संपन्न हुआ था। अब 15वां नंबर का सूत्र आज चलेगा जिसमें आयु कर्म के आश्रव का कारण चलेगा। 4 प्रकार की आयु होती है और उन आयु के कैसे कैसे आश्रव होते हैं उनके लिए आचार्य भगवान ने स्वतंत्र सूत्र अलग अलग दिए हुए हैं। जो 1 नंबर का सूत्र है उसमें नरक आयु के आश्रव का कारण बताएंगे कि हम ऐसा क्या करते हैं अपने जीवन में जिससे नरक आयु का आश्रव होता है और जीव को नरक गति में जाना पड़ता है। तो हमें इन बातों के ज्ञान से हमें अपना जीवन ठीक करने का मौका मिलता है। लोग दुनिया के पास जाते हैं अपना भविष्य पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो भविष्य पूरा बता ही जा रहा है कि आप कैसे देव बनोगे, कैसे नरक जाओगे, कैसे मनुष्य बनोगे, कैसे त्रियंच बनोगे, मनुष्य में भी मनुष्य कैसे बनोगे, स्त्री कैसे बनोगे, नपुंसक कैसे बनोगे, और त्रियंच में भी आप जानवर कौन कौन जानवर किस किस कर्म से बनोगे। ये सारी की सारी बातें आचार्य भगवान ने अपने ज्ञान से देख के, भगवान महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान में देख करके हमको बताया। तो हमें अपना भविष्य किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं वही कार्य ही हमारा डिसाइड करता है कि हम क्या बनते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि नरक कौन व्यक्ति जाता है, ऐसा क्या काम करता है कि उसके कारण वह जीव नरक जाता है। कारण पता चल जाने से हम उन कारणों से बच सकते हैं, पर हम वो कारण उनको ना करें जिससे हम नरक ना जाएं। दुखी स्थान में जाकर के हम धर्म ध्यान कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए दुख के कारण देख लेते हैं और फिर उनसे दुख से बचने के उपाय भी हम फिर इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन 15वां नंबर जो सूत्र है उसका शुद्धोच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका जो अर्थ है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 6ष्टम अध्याय का सूत नंबर 15वां। बहवा रंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। ठीक है, फिर से देखिए। बहवा, ध्यान रखना दो प्रकार के बा होते हैं, एक बा और एक वा। बा में ओंठ बंद होते हैं और वा में ओंठ खुलते हैं। ठीक है, तो देखिए बहवा रंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। अब देखो इसे संधि करते हैं तो क्या होगा, वा का हो जाएगा उ, उससे निकलेगा आ, तो क्या बनेगा, बहु आरंभ। ये व्याकरण के अनुसार यहाँ पर संधि है तो बहु आरंभ ये निकला। फिर ये परिग्रहत्वम पूरा एक वर्ड है, परिग्रह शब्द है और इसमें ये त्वा प्रत्यय लगा। ये त्वा प्रत्यय कब लगता है, जब हमको उसके बारे में बताना है। कोई शिशु है तो शिशु में शिशुत्व होना चाहिए, साधु में साधुत्व होना चाहिए, तो उसकी क्वालिटी बताने के लिए ये भाववाचक रूप में त्वा प्रत्यय लगता है। हिंदी में जैसे पना लगता है, बालक पना, शिशु पना। बालक कौन, जिसमें बालक पना हो। साधु कौन, जिसमें साधु पना हो। तो हिंदी व्याकरण में पना लगता है, संस्कृत में उसमें त्वा लगता है। जैसे शिशुत्व शिशु पना, साधुत्व साधु पना, तो ऐसे परिग्रहत्व परिग्रह पना।
ठीक है ना। फिर क्या दिया है, नारकश्य, संधि निकलेगी नारकश्य, ये षष्ठी का एक वचन है, जैसे रामश्य बालकश्य, तो षष्ठी के एक वचन में शस्य प्रत्यय लगता है तो नारकश्य। और फिर निकला आयुषः, आयुषः आयु, ठीक है, ये आयु शब्द के लिए आयुषः, जो नरक की आयु कैसे आश्रय होता है, बहवारंभ परिग्रहत्वम, मतलब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। ये जो बहु शब्द है ये क्या है, आदि दीपक है, आदि में लगा दिया इसका मतलब इसको आगे भी लगाना है, आदि में लगा दिया तो आरंभ के साथ भी और परिग्रह के साथ भी, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पना, जिसके अंदर बहुत आरंभ पना है और जिसके अंदर बहुत परिग्रह पना है, मतलब आरंभ सारंभ कारण करना चाहता है जो बहुत, और जो बहुत परिग्रह को जोड़ने के परिणाम रखता है या परिग्रह जोड़ता है रखता है, उसके लिए नारकश्य आयुषः, उसका नरक गति का, नरक आयु का आश्रय हुआ करता है। देखा आपने कितने सरल शब्दों में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने नरक का आयु का आश्रय करने वालों के लिए या बंद करने वालों के लिए यहाँ पर दो शब्द में ही बात कर दी, ये आरंभ और परिग्रह, ये दोनों शब्द अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिक हैं। इन शब्दों का हम अर्थ में जाएंगे तो देखेंगे कि ये तो दो कारण तो नियम से हमारे नरक के आयु के आश्रय के कारण हैं। अभी हाल में अपन मात्र सूत्र का अर्थ समझते हैं, फिर इसके बारे में विशेष समझेंगे। बहुत आरंभ है, बहुत परिग्रहपना जिस जीव में पाया जाता है उसके नारकश्य आयुषः, उसके नरक आयु के आश्रय का कारण होता है, अर्थात उसको नरक आयु का आश्रय होता है। यहाँ पे देखेंगे आयु कर्म लिखा है, उसके चार भेद लिखे हुए हैं, नरक आयु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये चार प्रकार के संसार में जीव होते हैं। नरक जो गति में जीव रहते हैं वो नरक आयु, जो तिरंच गति में जीव रहने वाले वो तिरंच आयु धारण करने वाले जीव, और जो मनुष्य गति में रहने वाले उनको मनुष्य आयु का उदय होता है, और जो देव गति में रहने वाले जीव हैं उनको देव गति का आयु होता है। पर इनमें जाने के कारण क्या क्या है वो अपन को यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए चारों जो आयु हैं उनमें शुभ आयु और अशुभ आयु कौन कौन सी है, तो बता रहे हैं यहाँ पर नरक जो आयु है वो कैसी है, अशुभ आयु है। त्रिंच मनुष्य और देव आयु को शुभ आयु बोला है, क्यों बोला है, तिरंच आयु में भी सम्यक दृष्टि और व्रत धारण कर सकते हैं, पहली बात अनुव्रति बन सकते हैं, मनुष्य आयु में भी सम्यक दर्शन व्रति और महाव्रति बन सकते हैं, देव में सम्यक दर्शन धारण तो कर सकते हैं पर व्रति नहीं बन सकते, लेकिन वहाँ पर देवों के द्वारा जिन महिमा, जिन बिंब दर्शन, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, महोत्सव, समोषण, पंच, ये सभी जो हैं बहुत सारे पुण्य के कार्य उनके द्वारा होते हैं, और मुनियों के वैयावृत्ति में, मुनियों के आदि अनेक कार्यों में सहयोगी बनते हैं, धर्म के कार्य की प्रभावना में सहयोगी बन सकते हैं, इसलिए देव आयु को भी कैसे कहा, शुभ आयु कहा। नंदीश्वर दी, पंच मेरु, आकृतिम, जिन बिंब चित्यालय आदि अनेक प्रकार के दर्शन आदि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तीन जो आयु है वो शुभ है और एक जो है अशुभ है। तिर्यंच में भी ध्यान रखना, जो पंचेंद्री हैं, संगी हैं, पर्याप्तक हैं, जो सम्यक दर्शन धारण कर सकते हैं, अनुवृत्ति धारण कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं तिर्यंच में निगोदिया है तो शुभ आयु हो जाएगी, एक इंद्री पर्याय है तो शुभ आयु हो जाएगी, जो सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता रखते हैं उन तिर्यंचों की अपेक्षा शुभ आयु है, ऐसी मनुष्य में, ऐसी देवों में। तो अब आप कहेंगे नरक में भी तो सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता है और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, नियम से होते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रतिपल दुख के ही बादल मंडराते रहते हैं, सदा दुख ही दुख है, एक क्षण भी सुख नहीं है, कोई भगवान नहीं मिलते, कोई गुरु नहीं मिलते, कोई शास्त्र नहीं मिलते, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई षट कर्तव्य नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मार काट, इसलिए उस पर्याय को क्या कहा, अशुभ आयु
कहा, ठीक है ना। तो नरक अशुभ आयु है, इस प्रकार से ये चार बातें हुई। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है क्या गति और आयु का आश्रव मनुष्य क्या प्रति समय करता है? देखिए, गति और एक आयु, गति जो है वो नाम कर्म की प्रगति है और आयु जो है वो आयु कर्म की प्रगति है। गति का आश्रव तो प्रति समय ही हुआ करता है, ठीक है ना, लेकिन आयु कर्म का ऐसा नहीं है। उसका त्रिभाग होता है, दो भाग छोड़कर के तीसरे भाग में आयु का आश्रव और बंद होता है। ध्यान रखना, आठ कर्मों में जो सात कर्म हैं उनका तो आश्रव होता ही रहता है, बंद होता ही रहता है, लेकिन आयु कर्म के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयु कर्म अपनी जितनी आयु है, जिस जीव की, मनुष्य की, तिरंज की, जितने जीवों की आयु है, उनकी आयु का अपना जो त्रिभाग है, उस त्रिभाग में दो भाग छोड़कर जो तीसरा भाग है वहाँ पर उसके आयु के आश्रव के योग परिणाम और उसका बंध पाया जाता है। लेकिन जो गति है, गति का प्रति समय आपका क्या होता है, आश्रव होता रहता है। जैसे मायाचारी के परिणाम चल रहे हैं तो उस समय तिरंज गति का आश्रव चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही यदि आपके परिणामों में सोमवता है, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह परिणाम है, तो उस समय जो गति है वो किसका आश्रव चल रहा है, वहाँ पर मनुष्य आयु का। यदि आपके स्वभाव में सरलता और सम्यक्तपना आदि है तो उस समय देव आयु का आश्रव चल रहा है। और यदि संक्लेश परिणाम है, बहुत आरंभ परिग्रह के परिणाम है, तो समय नरक गति का आश्रव चल रहा है। तो गतियों का आश्रव चलता रहता है। जैसे एक प्लेटफार्म है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं और वहाँ पर चार ट्रेनें आ सकती हैं और जा सकती हैं, लेकिन आप हर ट्रेन में नहीं बैठ सकते। जिस प्लेटफार्म में खड़े हुए हैं वहाँ पर जो ट्रेन रुकेगी वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये चारों जो ट्रेनें हैं वो चार गतियाँ हैं, तो चारों गतियों के कारण जो मौजूद हैं और उस रूप परिणाम भी मौजूद हैं, तो आश्रव चल रहा है। लेकिन प्लेटफार्म में वही गाड़ी आएगी जिस गाड़ी में आपको जाना है, जिसमें आपको बैठना है। अन्य प्लेटफार्म में गाड़ी आ रही है या अन्य पटरी में गाड़ी आ रही है वो आपकी कोई काम की नहीं है। तो आपकी गाड़ी किसमें आ रही है, जिसमें आपका ये जहाँ पर आप खड़े हुए हैं। इसी समय जिस समय आप जो परिणाम कर रहे हैं, एक समय में एक परिणाम है और उस समय उसी का ही आश्रव। ऐसा नहीं कि चारों का एक साथ आश्रव हो रहा हो, मनुष्य का भी, तिरंज का भी, परिणाम के ऊपर है। जैसे जैसे परिणाम होंगे वैसे वैसे गति का आश्रव होता रहेगा और पलटता रहेगा। कभी उसमें बॉम्बे की गाड़ी भी आ रही, कभी कलकत्ते की भी आ रही, एक ही प्लेटफार्म में कभी दूसरे शहर की भी आ रही है। तो जैसे जैसे आप परिणाम कर रहे हैं वैसे वैसे गति की ट्रेन आपके पास आ रही है, पर आप बैठे नहीं, आप बैठे नहीं क्योंकि आपकी गाड़ी अभी आई नहीं है और उसमें बैठने के अभी आपके परिणाम भी नहीं हुए हैं। लेकिन जब आपकी गाड़ी आ जाएगी अथवा आपके परिणाम हुए और आप उसमें बैठ जाएंगे, बैठने का मतलब है आयु कर्म है। बैठने का मतलब क्या है, अब आपकी आयु चालू हो गई है, अब आपकी यात्रा चालू हो गई है, दूसरे स्थान पर जाने की यात्रा प्रारंभ हो गई है। तो आप बैठ गए मतलब आयु का आपका क्या हो गया, बंद हो गया। और बंद हो जाने के बाद जब वो उदय में आएगी तो क्या होगा, उसका उदय काल चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि आयु जो है वो हर समय उसका आश्रय नहीं होता है, गति का जो है हर समय आश्रव होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अपन ने आरंभ और परिग्रह को जो आश्रव का कारण बताया नरक आयु की, तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। आरंभ और परिग्रह, आरंभ किसे कहते हैं, हिंसा आदि के जो कार्य हैं वो आरंभ है। और परिग्रह किसे कहते हैं, पर पदार्थों में जो मूर्छा का जो परिणाम है, मूर्छा ममत्व का जो परिणाम है, यह मेरा है, मेरापन का जो परिणाम है वो परिग्रह। इस प्रकार से ये आरंभ और परिग्रह कहलाता है। आरंभ, जो मन में सोचा और उसके लिए प्रयत्न किया, फिर सामग्री इकट्ठी की और कारम स्टार्ट कर दिया, वो आरंभ कहलाता है। हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, परिग्रह इकट्ठा करना, गलत कार्य करना, ये सब आरंभ है। आरंभ के काम हमारे पास ज़्यादा हैं।
जो प्रवृत्ति है वो दो प्रकार की होती है, एक स्वरूप और एक अस्वरूप। स्वरूप प्रवृत्ति जिसमें हमारा धर्म होता है, अच्छे कार्य होते हैं, वो शुभ रूप प्रवृत्ति होती है। एक होती अशुभ रूप प्रवृत्ति जो धर्म से बिल्कुल अलग होती है, संसार संबंधी कार्य जितने भी होते हैं वो सभी की सभी अशुभ प्रवृत्ति होती है। और वो जो अशुभ प्रवृत्ति है और शुभ प्रवृत्ति है, ये दोनों जो प्रवृत्ति हैं ये कहलाता है आरंभ है। लेकिन यहाँ पर कौन सा आरंभ नरक आयु का कारण है? शुभ प्रवृत्ति वाला जो आरंभ है वो नरक आयु का आश्रव का कारण नहीं है, अपितु जो अशुभ वाला जो आरंभ है, अशुभ में भी बहुत सारे और भी अशुभ होते हैं, जो पाप वाले अशुभ होते हैं, अधिक पाप करने वाले, अधिक परिग्रह जोड़ने वाले, अधिक ब्रह्म कुशील करने वाले। तो इस प्रकार से वो जो अति से अति वाले जो अशुभ आश्रव हैं वो कार्य करते हैं, जो उनसे उनको उस समय आयु का आश्रव किससे होता है, कौन सा होता है? नरक आयु का आश्रव हुआ करता है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर लगाएंगे परिग्रह। परिग्रह दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य परिग्रह और एक भाव परिग्रह। द्रव परिग्रह में हिरण स्वर्ण धन धान दासी दास बर्तन वस्त्र खेत क्षेत्र ये सब जो हैं हमारे ये बाह्य परिग्रह हैं। अंतरंग परिग्रह क्या है? इनके प्रति जो आसक्ति का परिणाम है, जो कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ स्नेह आदि जो हैं, ये जो कषाय हैं ये कषाय हमारा अंतरंग परिग्रह है। इस प्रकार से बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह, जिसके अंदर बहिरंग परिग्रह की आसक्ति बहुत ज़्यादा है बहिरंग परिग्रह के प्रति, और अंदर से ममेदम भाव, यह मेरा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, मेरे कपड़े हैं, मेरा ऐसा है, इस प्रकार का जो को मूर्छा भाव है वो मूर्छा भाव भी अति होने के कारण परिग्रह होती है और उससे नरक आयु का आश्रय हुआ करता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने दो चीज में बता दिया, अति आरंभ और अति परिग्रह। ध्यान रखना यहाँ पर बहु शब्द लिया है। बहु शब्द यहाँ पर कैसा है? ये बहु मतलब अनेक, बहुत ज़्यादा, संख्यावाची में क्या है थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता, बहु अनेक, बहुत बहुत अनलिमिटेड आरंभ और परिग्रह का परिणाम रखना, ये सब जो है नरक आयु के आश्रव का कारण है। नमोस्तुचार्य श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी, परिग्रह नरक आयु के आश्रव का कारण क्यों है? परिग्रही व्यक्ति जो होता है वो लोलोपी व्यक्ति होता है, लोभी व्यक्ति होता है, और लोभ के कारण उसकी तीव्रतम कषाय बढ़ जाती है, और जिसके कारण वह हिंसा झूठ चोरी आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में तत्पर हो जाता है। शास्त्रों में कहा भी है, लोभ पाप का बाप है। समस्त पाप का यदि कोई बाप यदि है तो वह लोभ है। और लोभ किस में आता है? पांच इंद्रियों के मन के जो विषय हैं उनके प्रति हमारे परिणाम जाते हैं, अति परिणाम जाते हैं, तो वह अति लोभ और लोलुपता आ जाती है। और आचार्य उन कह रहे हैं वह परिणाम ही परिग्रह है। बाहर का परिग्रह का अभाव हो लेकिन अंतरंग का परिग्रह बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अंतरंग में तो पूरे विश्व को पाने की चाह है, बाहर तो पाप कर्म का उदय चल रहा है, वो साधन नहीं है, परिग्रह नहीं है, लेकिन अंतरंग में उसको तो पूरे विश्व का विजय बनने का, विजेता बनने का या वस्तु को प्राप्त करने का परिणाम है, तो इतना बड़ा लोलोपी हो सकता है। बाहर जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा परिग्रहवान हो सकता है। और ये भी ध्यान रखना, बाहर से बहुत परिग्रह हो और अंदर से हो सकता है वो परिग्रह से की कमी उसके अंदर हो सकती है, उसके अंदर लोभ कम हो सकता है। बाह्य परिग्रह उसके पुण्य के उदय से बहुत है लेकिन उसमें उसकी आसक्ति नहीं है, तो आचार्य मुनि कह रहे हैं वो परिग्रह उसका नरक का कारण नहीं बनेगा।
लेकिन बाह्य में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अंतरंग से चाह इच्छा बहुत है, लोभ परिणाम बहुत हैं, मूर्छा परिणाम बहुत है, ममत्व परिणाम बहुत हैं, तो उसके नरक आयु के आश्रव का कारण बन जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर परिग्रह को पाप का कारण, नरक आयु के आश्रव का कारण माना। सच बात तो यही है कि परिग्रह ही समस्त पापों की जड़ है। ये ऐसी जड़ है जिससे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि अनेक गलत पाप कर्म सब कुछ इससे ही निकलता है। इसलिए आचार्य भगवान ने इसको अति परिग्रह, अति परिग्रह का मतलब क्या, ऐसा अति परिग्रह जिसकी आप कल्पनाओं में डूबे हुए हों, सपने में डूबे हों। देखिए परिग्रह के बारे में क्या होता है, व्यक्ति सपने में डूब जाता है, ख्यालों में चला जाता है, मेरा घर है, परिवार बन है, इतना बड़ा है, मेरे पास धन है, दौलत है, संपत्ति, उस कल्पना में ही खुश रहता है, वो सपने में ही खुश हो जाता है वो। तो इस प्रकार से वह सपने में हो, कल्पना में हो, कहीं भी हो, उस समय भी उसके आश्रय होगा यदि आयु कर्म का, तो नियम से नरक गति का, नरक आयु का ही आश्रय उसको होगा। तो इसलिए आचार्य ने कहा है कि परिग्रह परिणाम ऐसा परिणाम है, व्यक्ति 24 घंटे इसके बारे में सोचता है, 24 घंटे इसके बारे में विचारता है। शरीर भी परिग्रह, परिवार भी परिग्रह, यहाँ तक कि पद पैसा ये सब जो है ये परिग्रह हैं, और इस परिग्रह के बारे में उसका मन कहीं ना कहीं घूम करके वहाँ जाता रहता है। इसलिए आचार्य मुनि ने कहा कि भैया ऐसा जो मन जा रहा है अति शक्ति रूप से, अति आशक्ति रूप से, तो उससे यदि उस समय आयु का आश्रय हुआ तो निश्चित ही कौन सा आश्रय होगा, नरक आयु का आश्रय होगा। हमारे अंदर अशुभ लेशिया की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण परिग्रहों के प्रति बहुत आसक्ति आती है। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, ये अशुभ लेशियाएँ हैं, और ऐसे अशुभ लेशियाओं के परिणाम के कारण पर पदार्थ में हमारा परिणाम ज़्यादा जाता है। ध्यान रखना, जब तक हमारे पास मिथ्यात् कर्म है, मिथ्या भाव है, क्योंकि मिथ्यात् को भी अंतरंग परिग्रह कहा है, ध्यान रखना, मिथ्यात् तो परिग्रह का भी बाप है और उसको अंतरंग परिग्रह में रखा है। मिथ्यात् मतलब क्या, पर पदार्थ मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा जो विचार है वो विचार महापरिग्रह कहलाता है। भेद विज्ञान की जब तक कला नहीं होगी तब तक व्यक्ति इस प्रकार से परिग्रह के परिणाम में लगा ही रहेगा। देखिए परिग्रह को पसंद करना अच्छा और बुरा एक बात अलग है, लेकिन ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा जो परिणाम होना, पर में आसक्ति होना, ये परिग्रह मूर्छा, ये मिथ्यापना का परिणाम, ये नियम से नरक को हमको ले ही जाएगा। पदार्थ कब किसका हुआ है सोचिए, क्या किसी का पदार्थ कभी हो सकता है? जगत में तुम पदार्थ कोई लेके आए थे क्या? तुम साथ में अपने कुछ लेके जाते हो? ऐसा ज़रा चिंतन तो करो, देखो तो लोग कितने लोग मर रहे हैं, अपने साथ क्या ले जाते हैं। अभी कोरोना काल में देखा अरबों अरबों पति लोग थे और एक झटके में चले गए, क्या ले गए, कितना उन्होंने पूरा अपना कंपनी, फैक्ट्री, दौलत, संपदा, शौहरत सब फैला रखा था, लेकिन क्या गया उनके साथ, परिग्रह नहीं गया ना, उनके साथ उनका कर्म गया। तो ध्यान रखना अंतरंग जो मिथ्यात् कर्म है वो परिग्रह बहुत बड़ा है, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ आसक्ति पैदा करेगा, वहाँ वहाँ तुम्हारा नरक का द्वार खोलेगा। इसलिए आचार्य भगवान ने बहुत सोच समझ के कहा है, पर पदार्थ जो तुम्हारा नहीं है उसको अपना मानना, ये मेरा है, ये अनंत अनुबंधी वाला लोभ है, अति लोभ है, और उसके साथ ऐसी श्रद्धा होना ये मिथ्यात् है। तो देखिए बाहर से भी अंतरंग से भी दोनों मिल जाने से किस प्रकार की हमारे जीव की गति हो जाती है। तो ऐसे परिग्रहों में आसक्त नहीं होना है और ना ही नरक आयु का आश्रय करना है। यहाँ तो कारण बताया है, आप इससे उल्टे चले जाइए, बहु आरंभ ना करके अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह में अपना जीवन बिताइए, और फिर इस आरंभ परिग्रह को भी छोड़ करके अनारंभी और आप परिग्रह बन करके, साधुत्व बन करके अपना कल्याण करें, अपनी आत्मा का उद्धार करें। इस प्रकार से सूत्र के बारे में आज थोड़ी बहुत चर्चा हुई, कल और भी अनेक कारण देखेंगे नरक आयु के आश्रय के कारण में। आज इतना ही, अपन अब यहाँ पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं और जिनवाणी स्तुति करते हैं।
जवाणी के ज्ञान से सूजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तुह धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच तत्वार्थ सूत्र जी की द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।